अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड क्लास का सेकंड चैप्टर। ठीक है, न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया है और ये न्यू चैप्टर बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ठीक है, न्यू चैप्टर का नाम है अवर बॉडी, यानी हमारा जिस्म। ठीक है बच्चों, हमारी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्से हैं। ठीक है, वो जो मुख्तलिफ हिस्से हैं हमारी बॉडी के, वो कहलाते हैं ऑर्गन। ठीक है, जिस तरह हाथ है, नाक है, आँख है, पैर है और ज़बान है, दांत हैं, ये सारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं। आँख एक अलग ऑर्गन है, हाथ एक अलग ऑर्गन है, मुंह एक अलग ऑर्गन है, बाल एक अलग ऑर्गन है, कान एक अलग ऑर्गन है। ठीक है, अब ये जो आँख, नाक, हाथ, पैर, ये जितने भी ऑर्गन हैं, ये ऑर्गन हमारे ज़ाहिरी तौर पर मौजूद हैं और कुछ ऑर्गन हमारे अंदरूनी तौर पर भी मौजूद हैं। ठीक है, अंदरूनी तौर पर कैसे मौजूद हैं? दिल नज़र नहीं आता, ब्रेन नज़र नहीं आता, लंग्स नज़र नहीं आते। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदरूनी हिस्से में मौजूद हैं, इंटरनल ऑर्गन में मौजूद हैं। बात समझ में आ रही है? इंटरनली ये प्रेजेंट है, जबकि हाथ, पैर, नाक, आँख, ये एक्सटर्नल बॉडी पर मौजूद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि ऑर्गन्स क्या हैं। हमारी बॉडी के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑर्गन कहलाते हैं। जैसे कि आँख, नाक, कान, हाथ, पांव वगैरह, यानी कि बहुत से ऐसे अज़ा हैं जो हमारी बॉडी में मौजूद हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऑर्गन्स कहलाते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन्स कहलाते हैं। अब ऑर्गन्स की हमारी बॉडी में अहमियत क्या है? बच्चों, हर ऑर्गन अपना एक अलग किरदार अदा करता है। कान की मदद से हम चल नहीं सकते, पैर की मदद से हम सूंघ नहीं सकते, हाथ की मदद से हम देख नहीं सकते, बल्कि हर ऑर्गन का अपना अपना अलग अलग काम है। आँख की मदद से हम देखते हैं, कानों की मदद से हम सुनते हैं, नाक की मदद से हम सूंघते हैं, पैरों की मदद से हम लंबे लंबे सफ़र फासले तय करते हैं, हाथों की मदद से हम भारी से भारी चीज़ बासानी उठा सकते हैं, कंधे की मदद से हम चीज़ों को अपने ऊपर टांग लेते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि हर ऑर्गन जो है हमारी बॉडी का जो हर हिस्सा है, वो अलग अलग फंक्शन के लिए, अलग अलग वर्किंग, अलग अलग काम के लिए बनाया है अल्लाह ताला ने। ठीक है, ऑर्गन समझ में आ गया, ऑर्गन्स क्या होते हैं। अब हम बताते हैं कि ऑर्गन्स कितने किस्म के होते हैं। ठीक है बच्चों, टाइप्स ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन की इकसाम, ऑर्गन की कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी? पहली टाइप है ऑर्गन की इंटरनल ऑर्गन और एक्सटर्नल ऑर्गन। ठीक है, देखो बच्चों, इंटरनल से एक चीज़ आपको दिमाग में आ रही होगी, अंदर, एक्सटर्नल बाहर। ठीक है, ये कौन से बॉडी के हिस्से हैं? ये बॉडी के अंदरूनी हिस्से हैं, ये बॉडी के बैरूनी हिस्से हैं। बॉडी के वो हिस्से जो बॉडी के अंदर मौजूद हैं वो क्या कहलाते हैं? वो इंटरनल ऑर्गन्स कहलाते हैं। और बॉडी के वो हिस्से जो बॉडी के बाहर मौजूद हैं, बैरूनी तौर पर बॉडी के मौजूद हैं, बैरूनी अज़ा पर मौजूद हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो एक्सटर्नल ऑर्गन कहलाते हैं।
इंटरनल ऑर्गन में हमारे पास ब्रेन आ जाता है, हार्ट आ जाता है, लंग्स आ जाते हैं, जबकि एक्सटर्नल ऑर्गन पे हाथ पांव नाक हाथ, ठीक है। तो इंटरनल ऑर्गन क्या पढ़ा हमने, बॉडी के अंदर मौजूद आजा यानी ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन कहलाते हैं, जैसे कि हार्ट, लंग्स, किडनी, स्टमक, हार्ट, दिल, लंग्स, फेफड़े, किडनी, गुर्दे, स्टमक, मैदा, ठीक है, जिसमें खाना जाता है वो मैदा, जो पानी को हजम करता है वो किडनी, और जो हवा को पास करता है वो लंग्स, और जो खून को पास करता है वो हार्ट, ठीक है। और लास्ट में लिख देते हैं ब्रेन, ठीक है। ये हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, अंदरूनी आज़ा, ठीक है। अब बात करते हैं बैरूनी आज़ा की, यानी कि एक्सटर्नल ऑर्गन्स की। एक्सटर्नल ऑर्गन्स बॉडी के बाहर जाने मौजूद आज़ा, एक्सटर्नल ऑर्गन कहलाते हैं, ठीक है। कौन कौन से आज़ा होते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन? एक्सटर्नल ऑर्गन में आता है आईज, नोज, हैंड्स, लेग्स, एयर, हेयर, ठीक है। यानी कि जितने भी आज़ा हमारे ज़ाहरी तौर पर नज़र आ रहे होते हैं वो हमारी बॉडी के एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, और जो आज़ा हमें नज़र नहीं आते, जो बॉडी के अंदर मौजूद हैं लेकिन वो वर्किंग कर रहे हैं, वो क्या हैं? इंटरनल ऑर्गन्स हैं। क्लियर हो गया ऑर्गन्स क्या हैं, इंटरनल ऑर्गन्स क्या हैं और एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या हैं। अब चलते हैं क्लास वर्क की तरफ। ऑर्गन की तारीफ लिखें। ठीक है, ऑर्गन की तारीफ लिखनी है आपने। और 20 आज़ा भी ऑर्गन को कहते हैं के नाम बताएं। सबसे पहले आपने तारीफ लिखी, ऑर्गन क्या है, बॉडी के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो ऑर्गन कहलाते हैं, ठीक है, ये लिख दिया आपने। उसके बाद आपने लिखा मुख्तलिफ ऑर्गन्स के नाम ये हैं या मुख्तलिफ आज़ा के नाम ये हैं, और आपने 20 नाम लिखने। 20 में जो आप ऑर्गन लिखते हो, ऑर्गन आपने लिखा है तो आप कोई सा भी नाम लिख सकते हो, यानी कि आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को मिक्स भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि इंटरनल अलग या एक्सटर्नल अलग, मिक्स करके लिख दो, कोई मसला नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इंटरनल ऑर्गन से क्या मुराद है? इंटरनल ऑर्गन क्या होते हैं, ठीक है, वो आपने बताना है। ऐसे ऑर्गन जो हमारी बॉडी के अंदरूनी हिस्से पर मौजूद होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, वो इंटरनल ऑर्गन कहलाते हैं। जैसे कि मसलन लिख के आप एग्जांपल लिख के आप लिख दोगे हार्ट, लंग्स, ब्रेन, किडनी, स्टमक, ठीक है।
ये दोनों क्वेश्चंस अभी आपने करना है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस खुद से करेंगे आप, ठीक है। मैंने आपको जो बताया आप उस तरह भी कर सकते हैं, सही है। तो अगर आपको मेरी वाली बात लिखनी हो, यानी कि आपके जो बात अगर अपने दिमाग में ज़्यादा अच्छी समझ में आई है आप वो लिख सकते हैं, और अगर मेरी बात ज़्यादा अच्छी समझ में आ रही है तो आप वीडियो को रिपीट करके मेरी बात यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, लेकिन मकसद क्या है कि आपको ये चीज़ समझ में आए। सिर्फ कॉपी पर छापना मकसद नहीं है, बल्कि आपको समझाना मकसद है। अब आप जब आप ये दोनों क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर आपने अपना होमवर्क नोट डाउन करना है। एक्सटर्नल ऑर्गन के बारे में आप क्या जानते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन के बारे में आप क्या जानते हैं? ऐसे ऑर्गन या बॉडी के ऐसे हिस्से जो बॉडी के बाहरी हिस्से पर मौजूद होते हैं, यानी कि ज़ाहरी तौर पर नज़र आ रहे होते हैं, वो एक्सटर्नल ऑर्गन कहलाते हैं। ये जो डेफिनेशन अभी मैंने रिपीट की, इसको अच्छी तरह से समझ कर आप अपने ऑन अल्फाज में लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने एक्सटर्नल ऑर्गन्स की बाकायदा लिस्ट बनानी है नामों की, ठीक है। एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो ज़ाहरी तौर पर हमें नज़र आ रहे होते हैं, आपने उनके कोई 10 नाम भी लिखने हैं। ये है आपका होमवर्क, ठीक है क्लास। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इंटरनल ऑर्गन और एक्सटर्नल ऑर्गन को पढ़ेंगे, ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।